लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है, वे किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मोरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, क्या है क्या रिक्वायरमेंट है। और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए, आप सोचने में कमी मत करना, फिर बैठ के तय करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने पूरा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास। दो बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था, और रिस्क मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं हूं। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े, तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की जरूरत थी उसको भी कुछ साधन भी जुटाए गए ताकि कोई तकलीफ ना हो। दूसरा ये तय किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई, और वो भी सीक्रेसी मेंटेन करने, तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई। उसमें भूभाग, वहां की अड़चने, उसको भी देखा गया, क्या क्या रुकावटें आ सकती है, इमेजिनेशन करना, उसकी भी चिंता की गई। और मैं इन चीजों को, मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो मैं भी उसको जरा बड़े चाव से समय दे करके देखता था कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और मुझे भी एक सीखने को मिल रहा था। फिर हम जब बैठे तो हमने निर्णय किया कि भाई अब सो एंड सो डेट हम करेंगे, कौन कहाँ रहेगा, उसका मेन टीम के लोग, वो भी तय किया। और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापिस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हम इस मोह में पड़ जाएं और फिर लंबा खींच ले, ऐसा नहीं। जो भी करना, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, सक्सेसफुल मिशन। सक्सेसफुल हुआ, विफल हो, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हो सकता है हम विफल होकर के लौटना पड़े, तो विफल होकर लौट, मतलब सुइसाइड मिशन नहीं था, लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन था। उनको वेल इक्विप किया गया था, वेल ट्रेन किया गया था, और उनको खुद को निर्णय करने का मौका दिया था कि बताओ भाई इतना बड़ा रिस्की काम है, तो छांट करके लोग निकाले थे। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था, देश में भी आक्रोश था, मैं लाइव कॉन्टेक्ट में था चीजें, लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या होगा भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है, पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं पहली टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी है, ऐसा है वगैरह, लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लगी, तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए, तो काफी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी एक घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रात, वहां कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापिस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी दो तीन टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है, लेकिन चलने ते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए, लेकिन वो हम करीब सूर्योदय के बाद दो घंटे तक वापिस आने का क्रम चला, और जब आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई, और उनको
मीडिया ने, आर्मी के लोगों ने आकर के सारा ब्रीफ किया। उसके बाद पाकिस्तान को बताना ये काम कैबिनेट कमेटी ने, सिक्योरिटी ने तय किया, और पहले पाकिस्तान को सूचना करो कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद मीडिया को बताना। तो पाकिस्तान के लोग टेलीफोन पे आते नहीं थे, मीडिया को 11 बजे बुला लिया था। मीडिया भी परेशान था कि भाई ये क्या बात है, बोलते नहीं कुछ। बात करीब 11:30-12 बजे हुई, तो 12 बजे फिर प्रेस को, सारा देश को बताया। तो मेरे लिए ये पल बहुत ही, एक प्रकार से एक्साइटमेंट भी था, चिंता भी थी, और मैं पूरी तरह खुद इन्वॉल्व था, तो बारीक नजर ले रहा था। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन किया, जिस बारीकी से किया, हमारी सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचय हुआ जी। हमारी सेना में ये जो सामर्थ्य है, अद्भुत है जी, और मैं तो सर झुकाकर उनको नमन करता हूँ। कितनी